आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला जज ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितिया ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में आए 183,665 मामले 150,089 मामलों का किया गया निस्तारण। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन के पुत्र मनीष जैन के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संदेश भेज कर किया गहरा दुख व्यक्त। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा परिजनों को शक्ति सहन करने की प्रार्थना। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उत्तरी गेट के रास्ते को खोले जाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कांग्रेसी नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज से पैदल मार्च कर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। चार दिनों के भीतर रास्ता नहीं खुलने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में 20 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया गया मिलन। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, सुलह समझौते के आधार पर खुशी खुशी भेजा गया घर। तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को की गई प्रदूषण जांच केंद्रों की जांच, मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दो पहिया वाहनों का किया गया चालान। संपूर्ण थाना समाधान दिवस का कैंट थाने पर किया गया आयोजन। अधिकतर मामले आए भूमि विवाद व पारिवारिक विवाद से संबंधित, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। शनिवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 253 केंद्रों पर कुल 22,144 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 6,142 तथा दूसरा डोज लेने वालों में 16,002 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के विरोध में दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। कहा, शासनादेश के आधार पर लागू की जाए नई शिक्षा नीति। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत सप्ताह समारोह के तहत शनिवार को आयोजित हुआ काव्य स्वर कार्यक्रम, युवा कवियों ने अपनी कविता से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध।